पता नहीं। आपको पता है ना, एक छोटे से बच्चे जिसके पापा नहीं थे, वो हर एक बच्चे के पापा को देखता था तो लगता था उसको मेरा भी पापा होना चाहिए। उसके एक मित्र ने अपने पापा को चिट्ठी लिखा और इसी के साथ जाकर पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट बॉक्स में उस चिट्ठी को डाला। तो ये छोटा बच्चा जिसका पापा नहीं था, उसने पूछा, तुमने क्या डाला, कहाँ के लिए डाला? तो उसने कहा, मेरे मम्मा ने पापा के लिए चिट्ठी लिखी है और इस बॉक्स में चिट्ठी डालते हैं तो पापा तक पहुंच जाता है। छोटे बच्चों को तो ये पता नहीं है ना कि पोस्टल प्रोसीजर क्या है, कैसे जाता है, पता नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डालो, वो पापा तक पहुंच जाता है। ये छोटा बच्चा जो पापा से मिलने चाहता था और पापा तो था नहीं इसका, तो जब इसने सुना कि पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डालने से पापा तक पहुंच जाता है, तो इसने भी रात भर बैठ के नन्हे मुन्ने हाथों से, मुलायम हाथों से, पापा आ जाओ, पापा कहाँ हो, ऐसे कुछ लिखा। इसको ज़्यादा लिखना तो नहीं आता था, लेकिन जो भी आता था लिखा और उसको बंद करके सवेरे सवेरे भाग भाग के गया पोस्ट ऑफिस और जाके वहाँ पर पोस्ट बॉक्स में अपनी चिट्ठी डाली। और उस चिट्ठी के ऊपर पता तो था नहीं, लेकिन इसको पता नहीं था कि पता भी लिखना होता है, क्योंकि बच्चा था, नहीं जानता था। लेकिन अपने मन की बातें तो इसने लिख दी थी कि पापा आ जाओ, मुझे पापा चाहिए, पापा आ जाओ, जैसे चिट्ठी पहुंचते ही आ जाना। लेकिन पता नहीं था, जिसके कारण से वो चिट्ठी ना तो कहीं जा सका, ना किसी को मिल सका। जिस भी पोस्टमैन ने उसको उठाया, देखा, हंसकर उस चिट्ठी को बाजू में रख दिया, क्योंकि ना फॉर्म था ना टू था, वहां पर लिखने वाले का भी एड्रेस नहीं था और जहां पर भेजना है उसका भी पता नहीं था। हमारा भी कुछ ऐसे हालात है, जन्मों से हम परमात्मा को पुकार तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, बातें तो कर रहे हैं, लेकिन पता जाने बिना। और ये भी चेक नहीं किया कि हमारी जो बोल है, हमारी जो चिट्ठी है, पहुंची कि नहीं पहुंची, क्योंकि हमको पता नहीं कि प्रोसीजर क्या है और कहाँ पहुंचाना है, क्योंकि बीच में आ गया था हमारा देह भाव, जो पता तक पहुंच नहीं दे रहा था, और सही मायने में ज्ञान देने वाला इस धरा पर उपस्थित भी नहीं था। तो अभी स्वयं परमात्मा आकर के हमारे कमजोरियों को, हमारी समस्याओं को, हमारे कष्ट को जान करके उन कष्टों से बाहर निकलने का जो रास्ता, सही रास्ता हमें समझा रहे हैं। इस समय हमें भगवान से बातें ही नहीं करनी है, भगवान की बातें भी सुननी है, इम्पोर्टेंट। बातें तो करते आए सदियों से, अभी बातें करनी भी है, साथ में बातें सुननी भी है। तो चलिए, हमने अपने मन की स्थिति के अनुसार अर्जुन के द्वारा पूछा गया यह प्रश्न तो जान लिया, इसके जवाब में क्या मिलता है, भगवान क्या समझाते हैं और किस तरह से उसको हम समझ सकते हैं, इसके बारे में आगे चलकर हम समझेंगे। ओम शांति। सचमुच कितनी भाग्यशाली है हम आत्माएं, जिनकी तरफ स्वयं परमात्मा अपनी मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं और इस सर्वश्रेष्ठ गीता ज्ञान के रहस्यों को सरलता से समझा रहे हैं। जरा विचार तो कीजिए, क्या परमात्मा जैसा सच्चा मित्र कोई हो सकता है, जो हमारी सभी बुराइयों को अनदेखा कर हमें हमारी अच्छाइयों से अवगत कराए। वह परम मित्र हर परिस्थिति में हमारा साथ तो निभाता ही है, पर साथ साथ ज्ञान धन देकर जीवन को संपन्न कर देता है। परमात्म प्यार की अनुभूति का एक क्षण भी हम आत्माओं की जन्म जन्म की प्यास को तृप्त कर देता है और जीवन में एक अनोखी खुशी एवं संतोष का संचार करता है। दोस्तों, भक्ति मार्ग में हमने ईश्वर के लिए कितने ही भजन, आरती व कीर्तन किए, अब यही वह श्रेष्ठ समय है जब हमारी भक्ति के फल स्वरूप परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर हम आत्माओं को अपना परिचय देते हैं और हमें सहज ज्ञान और सहज योग सिखलाते हैं। तो आइए हम भी अपना फर्ज निभाते हुए इस श्रेष्ठ ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें और संतोष रूपी धन से अपने जीवन को सुखमय बना लें। ओम शांति।